सब बाण भैया ने राम राम और एक मंगलवार व्रत की कहानी सुनाऊंगी। पसंद आया सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती और वह मंगलवार को व्रत कराया करती। मंगलवार ने पूजा पाठ करती, चूरमो बनाती, भोग लगाती बजरंग बली का, फिर रोटी खाया करती। तो वह क्या कराया करती, आए मंगलवार ने चूरमो बना के और मतलब एक कहानी सी कह करती, लाल लंगोटो हाथ में सोटो ले बाबा, मैं रोज भोग लगाऊं सुबह, तू देना मुझे बुढ़ापा। तो फिर और चूरमो बना के एक रोटी को और बाबा को भोग लगा देती, चढ़ा दिन दीर बचोड़ो बाट दिन दी। तो फिर उसकी बहू ने देखी, बूढ़ी रोज इतना चूरमो बनावा है, रोज बाटा है, न्यू के पार पड़ा है। बोली माँ, रोज सासू माँ ने इतना चूरमे की पार को नहीं पड़ा, तू तेरा तेरा खातर खा ले, बना ले खा ले। तो वह उसने आपका हाथे देने लग गई, आधी रोटी को चूरमो कर बूढ़ी ने दे दे बूढ़ी माई ने। तो बूढ़ी माई के करा अपना चूरमे को भोग लगा के ना आधी रोटी को चूरमा को भोग लगा दे, आप टाल कर दे खाने की और बालाजी का भोग लगा दे और बाट दे बचेड़ो बाट दे। तो बहू ने सोची, नहीं तो यह बूढ़ी गुंडट है भाई, यह तो आधी रोटी को दिवस उसने भी बाट दे है। तो उसने क्या करे, देनो बंद कर दियो, अरे कमरे में रोक दी, उसने रोटी देनी बंद कर दी। बंद कर दी तो बूढ़ी माई अपना भूखी तिसाई कमरे में बंद। रात ना आए बजरंग बली, बोला लंगोटो हाथ में सोटो ले माई और ये ले पूरी रोटी भोग लगा माई। तो फिर उसने के करियो अपने रोटी को चूरमू करियो, क्यों लिया तो बालाजी ने दी, अरे बालाजी का भोग लगा दे आप खा ले। तो कई दिन हो गया नहीं हुई और बूढ़ी का बारा जी हो रही कि भाई बूढ़ी कमरा में रोक रखे है, मर जाएगी कुछ दिन में, उसने रोटी देने भूखी तेस आई और बूढ़ी रोज पड़ती आवे मोटी होगी कि रोज चूरमू खा। तो एक दिन सोची उसने, माँ की तो तबीयत तगड़ी होती आवा है, मैं तो इतना दिन हो गया इसने रोटी खाए फिर भी उसे कुछ तंदुरुस्त होती आवा है, राज के है इस बात को। उसने आपका बालक सुआ दिया, आकाश तम ते दादी का दौरा सुइयो। तो दोनों बालक सो गया और देखियो ते दादी के खास है रात ने। तो वह अपने रात ने आए बजरंग बली आकिन, तो वह लाल लंगोटो हाथ में सोटो ले माई और ले साबत रोटी भोग लगा माई। तो अपने बालकान देखे चूरमू बनाए, बूढ़ी दादी ने तो अपने खाए भोग लगाए, बालका तो खुआयो, तड़के ही उठ के आया आके बोले, माँ मेरी दादी तो रोज चूरमू खा सर, हनुमान जी आवा है रात ने रोज, वो रोटी देखी जा सर। तो बहू ने सोची कि यह तो वही सच्ची भगत से, और वो बहू का घर में धन कम होने लग गए क्योंकि बालाजी की कृपा हट गई उस पर, तय क्रोधित हो गए बालाजी। तो अपना वो उसको धन रोज रोज घटतो जा, जो जो बूढ़ी रोज भूखी मरी उसको धन घटतो जा। तो फिर वह अपना एक दिन रात ने छुप की खड़ी होगी, आकाश मैं देखूंगी, मैं माफ़ी मांगूंगी बालाजी से। अपने जो ही बालाजी आयो आंधी पा पकड़ लिया, बालाजी बोले पर ऐट पापणी, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तू अत्यारी, तन मेरे भगत की भक्ति भंग कर दी, भोग लगाण ते नाटगी, पा छोड़ मेरा। तो वह बहू बोली कि मैं माफ़ कर दे बाबा, मेरी गलती होगी, माफ़ करेगो तो ये पा छोड़ दूँगी, ना छोड़ दूँ। और ईब तो अगर ने मैं माँ जी ने कदे मना नहीं करूँ, जो भी जितनों चाहे मर्जी भोग लगावेगी, लेकिन मैं नहीं माफ़ कर दे। तो बालाजी ने अपने कर दी माफ़, बोल ठीक है गलती मानना है तो आ जा, तेरा जो नुकसान हुए है, तेरा जो भी हो पहले जिसो काम हो जाएगा उतरो, और तू जा लेकिन भक्ति करेगी। बोल ठीक सब बाबा, और मेरे भगत ना परेशान नहीं करेगी। तो अपना बूढ़ी माई रोज भक्ति करें और बहू बेटा भी उसका साथ बैठ की माँ का साथ बाबा हनुमान की बजरंग बली की भक्ति करें, प्रार्थना करें, भोग लगाऊँ, रोज चूरमो बनावें, आए मंगलवार बालाजी पर चढ़ावें। तो वही सुख शांति तो रहने लग गया सारा,
और उनको काम जिसो पहली चाला था ना उसो ही चाल गयो। ए बात बजरंग बली जिसी कृपा बूढ़ी माई पकड़ी ने इसी सब पकड़िए और सब ने मतलब सब पर इसी सारा जो भी भगत है ना सब पर इसी कृपा करिए। जो भी वाण हो कहानी पसंद आई हो सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो सारी वाणा ने।